Everybody is ready? Yes! All the teams? All set? Yes. Very good. So today we are going to... ...Studio के तहत आप सब का, सारी टीमों का नामांकन हुआ है. अपनी टीमों को आप याद रखिएगा क्या नाम दिया गया है. इसी बहाने हमारी जुबान पे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, आस्थेय, अपरिग्रह और आत्मश्रद्धा, करुणा, ये शब्द जो है बहुत मायने रखते हैं. इनको हमें अपने जीवन में उतारना है, इनका हमें चरितार्थ अपने जीवन में करना है. सो बिगिन द महाक्विज 2022. एवरीबॉडी इज रेडी? यस. यू कैन वेव टू द ऑडियंस. एक बार ऑडियंस सब बता दीजिए अपने मौजूद की जो है, जरा हाथ ला दीजिए ऑडियंस को. यस प्लीज. यस, धीरे धीरे जो है संकोच जाएगा. नयन सर, पहला राउंड इतिहास से है. कुछ नियमों के बारे में हम लोग जानकारी ले लें. एक मिनट आपको दिया जाएगा. अदिति दवे टाइम मेंटेन करेंगी, घड़ी में ध्यान रखेंगी. अगर आपका जवाब सही होगा तो पूरे अंक आपको मिलेंगे. एक ही जवाब होना चाहिए. हर टीम इस बात पे खास गौर करेंगे. ओनली वन आंसर. यू कैन हैव अ डिस्कशन इन द मिनट, बट देन ओनली वन आंसर इज एक्सेप्टेड. दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको. क्रमशः 200, 300, 400 हर राउंड के अंक हैं. सत्य के लिए Who took 6 months to understand Gandhiji's concept of charkha? किस व्यक्ति को 6 महीने लगे गांधी जी के चरखे को, चरखे के ख्याल को समझने में? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस. You can take your time, but then we want just one answer. Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. Yes, Dr. Rajendra Prasad. Very good job. Which empire was established by Chandragupta under the guidance of Chanakya? कौन से साम्राज्य की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त द्वारा चाणक्य के मार्गदर्शन के तहत? आपके ऑप्शंस हैं मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, कौटिल्य साम्राज्य. विच एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य? मगध एम्पायर, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, कौटिल्य एम्पायर. कौन से साम्राज्य की स्थापना? बाकी टीम्स भी प्रश्नों पे गौर कीजिएगा. आपकी कभी भी पास के दौरान बारी आ सकती है. प्रश्न तब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा. यस सॉरी, मौर्य. शांति, आपका प्रश्न आ रहा है. अशोक चक्र इज द व्हील ऑफ लॉ वेयर इन ईच स्पोक रिप्रेजेंट्स व्हाट? अशोक चक्र जो है वो न्याय का चक्र है, जहां पे हर तार क्या प्रस्तुत करता है, किसका प्रतीक है. आपके ऑप्शंस हैं अ प्रिंसिपल ऑफ हिंदुइज्म, अ प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म, अ प्रिंसिपल ऑफ सिखिज्म, अ प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी. अशोक चक्र जो न्याय का चक्र है, उसमें हर तार जो है वो किस चीज का प्रतीक है? हिंदुइज्म के सिद्धांतों का, बुद्ध के सिद्धांतों का, सिख धर्म के सिद्धांतों का, या ईसाई धर्म के सिद्धांतों का? अशोक चक्र इज द व्हील ऑफ लॉ वेयर ईच स्पोक. कुछ दिन पहले हम लोग ने इसकी चर्चा करी थी. जो प्रार्थना में नियमित आते हैं, वक्त से आते हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. इसके ऊपर काफी हम लोग ने चर्चा करी थी.
आपका समय जो है गतिमान है, आखिरी 10 सेकेंड है। सॉरी, बुद्ध, बुद्ध इज द राइट आंसर, बुद्ध सिद्धांत। 200 क्वेश्चन। अकबर वॉज ओनली डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द मुगल थ्रोन इन 1556। योर ऑप्शंस आर 13, 14, 15, 16। अकबर मात्र खाली स्थान इतने वर्ष के थे जब वो मुगल सिंहासन पे उन्होंने वे विराजमान हुए 1556 में। उनकी क्या उम्र थी आपको ये बताना है, 13, 14, 15 या 16। अकबर की क्या उम्र थी? एक मुगल सल्तनत में बहुत सारे बादशाह हुए हैं, लेकिन अकबर का नाम दीने इलाही करके एक धर्म की उन्होंने शुरुआत करी थी। यस प्लीज, 13 इज द राइट आंसर। को बनने में कितने वर्ष लगे थे? 10, 11, 12 या 13? ताजमहल को बनने में कितने वर्ष लगे थे? ताजमहल वॉज बिल्ट इन अ स्पैन ऑफ हाउ मेनी इयर्स? योर ऑप्शंस आर 10, 11, 12 एंड 13। कितने वर्ष लगे ताजमहल? 12 is the right answer. Very good, sir. So let us start with the headline. Which king used guerrilla tactics as a war strategy? Which king? Kaun se Maharaja ne guerrilla tactics ek yuddh niti ke roop mein uska upyog kara? Aapke options hain Rana Pratap, Rana Sangha, Chhatrapati Shivaji, Sher Shah Suri. कौन से महाराज है जो गुरिल्ला टैक्टिक्स, गुरिल्ला से सब परिचित है, ये युद्ध की नीति के रूप में भी इसका प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया एक महाराज ने, उस महाराज का नाम आपको बताना है। राणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, शेरशाह सूरी। कौन थे वो महाराज जो गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स, ये युद्ध की एक नीति है जहां आप अचानक दुश्मन पे हमला करते हैं। किस महाराज ने, किस मैंने शिवाजी आप कौन सी टीम है? अपरिग्रह। अपरिग्रह आपका बहुत विशाल नाम है। और आपका प्रश्न ये रहा, हूज नेम वॉज चेंज फ्रॉम डैश टू लक्ष्मी बाई आफ्टर हर मैरिज टू द किंग ऑफ झांसी? किसका नाम लक्ष्मी बाई रखा गया जब उनका विवाह झांसी के महाराज से हुआ? आपके ऑप्शंस हैं मणिरत्नम, मणिकर्णिका, मणिबाई, ममता बाई। ऑडियंस जानती है इसका उत्तर, मणिकर्णिका। आत्मश्रद्धा, आपका प्रश्न आ रहा है, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। डैश किंग कैंपेन अगेंस्ट रेशियल इनइक्वालिटीज यूजिंग गांधीज नॉन वायलेंट मेथड्स। कौन से उनके नाम में किंग आता है जिन्होंने जो भेदभाव की जो नीति है, रंग भेदभाव की जो नीति है, उसका उन्होंने उसके खिलाफ विरोध किया गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए? आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, मार्टिन ल्यूथर, बराक ओबामा, खान अब्दुल गफार खान। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम में महाराज आता है? मैं आपको क्लू दे रहा हूं, वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम में ही महाराज आता है, जिन्होंने जो रंग भेद, जो इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं होती थी, उसका विरोध किया गांधी जी के
अहिंसा का सिद्धांत अपनाते हुए। आपके ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, बराक ओबामा, खान अब्दुल गफार खान। Sorry, that's the wrong answer. The question passes, you know, to Satya. और गुरु ये पास करने में आपके अंक आधे हो जाते हैं। Yes. खान अब्दुल। No, I'm so sorry. अब हम लोग इसको पास करेंगे और आगे सिद्धांतों को तहत ऑडियंस यस नो अवसर मिलेगा। सही जवाब है मार्टिन ल्यूथर किंग। नो प्रॉब्लम, गुड गोइंग। अ स्टैच्यू डेडिकेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल इज ऑन द बैंक्स ऑफ डैश रिवर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की एक स्मारक है, एक ऐसा स्मारक है जो समर्पित है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह किस नदी के किनारे स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, सरस्वती, माही। एक नर्मदा। यस, जवाब दिया सर नर्मदा। नर्मदा इज द राइट आंसर। जॉइन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज बट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम। ब्लैक। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए लेकिन उन्होंने एक पोस्ट जो है अस्वीकार करी अपने अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में। आपके ऑप्शंस हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन से शख्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया इंडियन सिविल सर्विसेज में ICS, लेकिन ओहदा लेने से उन्होंने नामंजूर कर दिया अपने विरोध को दर्ज करने के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शांति मैडम के प्रिय शिष्य हैं और शांति मैडम हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। She earned the title Nightingale of India. She was the first Indian women Congress president. She was only 13 when she wrote a 1300 line poem, The Lady of the Lake. She is. Unko nawaza gaya tha ek sheeshak se, Nightingale of India. Bharat ki bulbul. Wo sabse pehli mahila thi Congress प्रेसिडेंट के रूप में। उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी जब 1300 पंक्तियों की एक कविता तैयार की थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहला पायलट था, एविएशन की शुरुआत मैंने करी थी, मैं एक बिजनेस टाइकून हूं, मैंने सबसे पहली जो उड़ान थी देश में दाखिल करी, मैंने डॉक्टर होमी भाभा को आर्थिक मदद करी, मुंबई में शोध के लिए एक संस्था की स्थापना करने के लिए। कौन हूं? आपके ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, JRD टाटा, रतन टाटा। मैं सबसे पहला पायलट। सब ऑडियंस, सारे टीम मेंबर इस बात पर खास ध्यान देंगे, ये प्रश्न जो है हर भारतीय को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस देश का सबसे पहला पायलट कौन था जिसने उड़ान भरने का सिलसिला प्रारंभ किया? वो एक बिजनेस टाइकून भी थे, व्यापार में बेजोड़ थे। सबसे पहली एयरलाइन सर्विस की शुरुआत उन्होंने करी, आर्थिक मदद करी डॉक्टर होमी भाभा और मुंबई का जी आदि नमस्ते बॉस। नमस्ते, एक बार पूछे नमस्ते। इसका मूल अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, जो दिव्य रोशनी मेरे अंदर है, जो दिव्य रोशनी मेरे अंदर है
उस दिव्य रोशनी को मैं प्रणाम करता था। जो दिव्य रोशनी मुझ में है वो उस वैश्विक रोशनी को आपके अंदर प्रणाम करता है। एक सामान्य संबोधन करने का एक तरीका है। तीसरा, चौथा, जब पांच ज्ञानेंद्रियाएं और पंच कर्मेंद्रियाएं मिल जाती है तो आप उस दिव्य चेतना का प्रणाम करते हैं। नमस्ते शब्द अक्सर हम उपयोग करते हैं, सब अलग अलग ढंग से नमस्ते करते हैं, कुछ ऐसे भी नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर, ऐसे नमस्ते नहीं होता है, इस तरह भी करते हैं कुछ लोग नमस्ते, ऐसे भी नमस्ते नहीं होता है। इसको बाकायदा हमें दोनों हाथ को हमें जोड़ना होता है। हमने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उनका एकीकरण होता है तो सामने वाला व्यक्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आप आदर से हाथ जोड़ के जो है ऐसे भी नमस्ते नहीं होता है। इसको बाकायदा आप इस तरह से कैसे करते हैं मन एक बार प्रणाम करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे, ऑडियंस को भी प्रणाम करेंगे, प्रणाम कीजिए और हृदय की तरफ कि जो पशु के प्रभु है वो शिव है। पशुपति यानी पशु के प्रभु कौन है? शिव। तो वहां पशु का मतलब क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लायन, बुल, पार्वती या जीव। जीवात्मा, परमात्मा, इस तरह के शब्द वहां से ही लिया गया है। लायन, लायन यानी आपका शेर, सी, फिर बुल, बुल यानी बलद, बलद, बड़द, पार्वती को सब जानते हैं, और चौथा है जीव। विष्णुपुर किस राज्य में? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार। विष्णुपुर, विष्णुपुर, विष्णुपुर बंगाली में, बंगाली में बांग्ला में थोड़ा सा उच्चारण अलग होता है, विष्णु की जगह विष्णु कहेंगे वो। और वहां की जो टेराकोटा के जो मंदिर बड़े ही प्रख्यात है वो किस राज्य में? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार। It symbolizes the sound of the universe. It means pranav or A-U-M. Akara, ukara, makara. The sound of creation. In char mein se kaun sa sahi jawab hai? Om. Omkar naad hum sab karte hain. Antargaand mein, you know, we seedhe baithte hain hamesha. Aur we जो है ऋषि मुनियों के भांति जो है साधना करते हैं। दो ढाई घंटे तक हम सब मिलकर साधना कर रहे हैं। गांधी जी प्रसन्न होंगे और आपको खूब आशीर्वाद देंगे। और यहाँ ओमकार नाद का जवाब जो है हमारे इंग्लिश मीडियम की बेटियां जो सकता है ऑप्शन डी, डी अकारा उकारा और मकारा ये लोग उसके मूल तत्व है लेकिन वो सही जवाब नहीं है। हम जाएंगे राणा ओम जो शब्द है उसका आपको मायने बताना है। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।